अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ़ नंबर फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी बुक एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है ठीक है सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बेटा एम दिए गए हैं एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के नीचे फोर पॉसिबल आंसर्स हैं आपने उनमें से जो मोस्ट सूटेबल है उसको इन सर्कल करना है ठीक है टिक कर सकते हैं आप या फिर सर्कल कर सकते हैं आपने राइट right वन को चूज़ करना है अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज के मूवमेंट के लिए दूसरा लफ्ज़ हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन ग्रोथ लोकोमोशन और सेंसिटिविटी तो आप मूवमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं दैट इज लोकोमोशन सेकेंड स्टेटमेंट है वी नीड टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि दे आर क्यूट दे कैन नॉट लुक आफ्टर दैमसेल्स वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ इट इज़ द नाइस थिंग टू डू सो द राइट ऑप्शन इज द सी वन बिकॉज वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर आर सर्वाइवल क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए हमें फूड चाहिए और प्लांट्स हम पे डिपेंड करते हैं क्योंकि प्लांट्स को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सो सी इज़ द राइट ऑप्शन थर्ड वन इज़ वट हैच फ्रॉम द एग ऑफ द ग्रास होपर क्यों ग्रास होपर में से क्या चीज़ जोन सी है? वो हैच करती है जब वो अंडा टूटता है ग्रास होपर का तो क्या निकलता है तो बी इज़ द राइट ऑप्शन उसे हम कहते हैं निम्फ अनिम्फ़ देन फोर्थ वन एग ऑफ द बटरफ्लाई है बटरफ्लाई का जो एग है जब वो हैच करता है तो क्या निकलता है लावा बी इज द राइट ऑप्शन लावा फिफ्थ वन वट ग्रोस फ्रॉम अन इट जर्मिनेट्स जब एक सीड जर्मिनेट करता है यानी कि ग्रो करना स्टार्ट होता है तो उससे क्या बनता है तो आप ए को जो है चूज करेंगे सबसे पहले रूट बनती है हमारे पास ए इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट यू हैव टू लुक एट द्वेश्चन नंबर टू फिलिंग द ब्लैंक्स आप फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं इसमें मैंने आपको आंसर्स बताए हैं आपने अपनी बुक पर जो है ये नीट एंड क्लीन लाइट पेंसिल से इन्हें राइट डाउन करना है ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ह्यूमंस और एनिमल्स क्या लेके जाते हैं टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है प्लांट्स प्लांट्स मेक देयर ऑन डैश बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसेंथिस के प्लांट्स जो हैं वो फोटोसेंथिसिस की मदद से अपनी क्या चीज़ खुद बनाते हैं फूड नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग हमारे पास अब ये करैक्टिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स दी हुई हैं फर्स्ट फर्स्ट वर्ड आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपने उन फर्स्ट वर्ड से प्रॉपर एक वर्ड बनाना है ठीक है ऑल द लिविंग थिंग्स डू द क्या क्या करते हैं लिविंग थिंग्स सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आएगा एक्सक्रीशन स्पेलिंग्स शुड बी करेक्ट बेटा आपने स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखना है बी है रिप्रोडक्शन सी है सी में आपके पास गलती से बेटा उन्होंने आपको ई e दे दिया यहाँ पर एन आएगा तो और आप एन से आगे कंप्लीट करेंगे वर्ड नीड फूड D है हैव सेंसीटिविटी E है मूवमेंट एफ है ग्रोथ एंड G इज रेस्पाय ठीक है नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश ऑन ईच अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ऑन ईच अदर नेक्स्ट प्लांट्स प्रोड्यूस डैश विच इज इन एयर वी ब्रीद इन प्लांट्स हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन विच इज इन द एयर वी ब्रीद इन जो कि हवा में मौजूद होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं नेक्स्ट वी विल मूव टूअर्ड्स द सेकेंड पेज सेकेंड पेज में क्वेश्चन नंबर थ्री है मार्क दिस सेंटेंसेस विद द टिक और क्रॉस टिक और क्रॉस से आपने मार्क करना है स्टेटमेंट्स बताना है कि ये ठीक है या गलत नंबर वन पे है प्लांट्स नेवर मूव ये तो बेटा क्रॉस है क्योंकि प्लांट्स खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके नहीं जा सकते लेकिन प्लांट्स के पार्ट्स जोन हैं वो मूव करते हैं सो दिस इज क्रॉस सेकेंड है ओनली प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट के क्या सिर्फ प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है येस दिस इज ट्रू ठीक है आप इसके आगे टिक करेंगे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो सारी की सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं येस इट इज़ ट्रू फोर्थ है ऑल लाइफ साइकिल्स हैव थ्री स्टेजेस के जितने भी जो लाइफ साइकिल्स हैं उनकी कितनी स्टेजेस होती हैं थ्री स्टेजेस होती हैं नो no, इट्स क्रॉस क्योंकि कुछ की हमने पढ़ा है आगे चैप्टर में रीडिंग में कि थ्री आ, कुछ लाइफ साइकिल्स की थ्री स्टेजेस भी होती हैं कुछ लाइफ साइकिल्स की फोर स्टेजेस भी होती हैं फ्रॉक्स फ्रॉक्स एस एग्स आर कॉल्ड फ्राई के क्या फ्रॉक के अंडो को हम लोग फ्राई कहते हैं नो इट्स फॉल्स फ्राई तो हम लोग फिश के एग्स को कहते हैं ना ह्यूमन इनहेरिट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओनली दन पेरेंट कि ह्यूमन स्टोन से हैं वो कौन से करैक्ट्रिस्टिक स्टोन्स अपनी जो इनहार्ट लेते हैं करते हैं यानी कि उन्हें विरासत में मिलती हैं क्या वो सिर्फ़ एक पेरेंट से मिलती हैं नो no, इट्स क्रॉस क्योंकि हमारी जो आते हैं वो मामा पापा दोनों से मिलती होती हैं कुछ हमारी आदतों की जो एग्जाम्पल्स है वो मदर से होती है और कुछ पेरेंट्स से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखें फाइंड वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस आपको एक हर सेंटेंस के आगे एक प्रॉपर वर्ड लिखना है ठीक है सो द फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज़ द गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ के वो वाली गैस जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन तो आप लिखेंगे ओ टू ऑक्सीजन के आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और आप स्पेलिंग के साथ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट इज अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट के मूवमेंट के लिए के एक और दूसरा वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज लोकोमोशन थर्ड स्टेटमेंट इज द वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी एक्सपेल आउट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हम कौन सा लव्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्सक्रीशन फोर्थ वन है द वर्ड फॉर फ्रॉग एग्स के फ्रॉग के जो एग्स होते हैं उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है दैट इज स्पॉन एस पी ए डब्ल्यू एन स्पॉन फिफ्थ वन यंग फिश एक यंग फिश को हम लोग क्या कहते हैं एडल्ट फिश क्या कहते हैं एडल्ट फिश ठीक है सो so, बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट यूर बुक एक्सरसाइज ऑफ़ यूनिट नंबर फोर करैक्टिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड आई होप सो कि बेटा आपको समझ आ गई होगी इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और मैं आपको आप इसकी जो पिक्चर्स हैं सॉल्व पिक्चर्स वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपको उससे और जो है वो कन्वीनियंटली uh, आप सॉल्व कर सकेंगे आपने इसी बुक एक्सरसाइज को अपनी डायरी में भी लर्न करना है सो अल्ला हाफिज़ टिल योर नेक्स्ट लेक्चर